करें। नमस्कार दोस्तों, समय है सुबह के 8 बजे का। मैं हूं आपके संग आशीर्वाद। शुरू करेंगे पीआईबी डिस्कशन। उम्मीद करता हूं द हिंदू डिस्कशन सुन लिया होगा आप लोगों ने। नहीं सुना है तो प्लीज सुनिएगा, इस लेक्चर के बाद जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी बातें मैंने आपके लिए आज कुछ अच्छे एडिटोरियल्स शामिल किए हैं। प्लीज देखिएगा उसको, जो जरूरी है एडिटोरियल समझने के लिए आपके। तो बात करेंगे क्या है पीआईबी पर आपके साथ। सबसे पहले दोस्तों लाइक कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। कुछ स्पीकर ऑन था उसका, मुझे एक वीडियो सुनाना था आपको, इसमें स्पीकर ऑन किया था। आज मोदी साहब की स्पीच सुनानी है एक्चुअली मुझे आपको, आज जिन्होंने कल दी है टाइगर डे पर। बात करेंगे आपके साथ उस पर। सबसे पहला काम मैं करना चाहूंगा, क्या है आज की पहली खबर पीआईबी पर। तो पहली खबर जो पीआईबी पर हमारे साथ है वो है मोजाम्बिक को लेकर। हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह गए हुए मोजाम्बिक की यात्रा पर। क्या है उनकी यात्रा में खास, क्या है उनकी यात्रा में नया, बात करें आपके साथ। तो मैं आपको दिखा दूं यहां पर मैं मोजाम्बिक कहां पर है। मोजाम्बिक ये तो आप देख रहे हैं, मोजाम्बिक अफ्रीका का राष्ट्र। ये आप देख रहे हैं मोजाम्बिक की लोकेशन, साउथ ओशन में, बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में मोजाम्बिक देश अफ्रीका का। यहां गए हैं राजनाथ साहब यात्रा करने के लिए, और यहां पर दो एग्रीमेंट किए सरकार ने। तो भारत दूर नहीं, भारत से दूर मोजाम्बिक नहीं है, दक्षिण में हमारे। तो दो उन्होंने एग्रीमेंट किए मोजाम्बिक में। पहला एग्रीमेंट किया है वाइट शिपिंग को लेकर। वाइट शिपिंग पहला समझौता जो हुआ है वो हुआ है वाइट शिपिंग को लेकर, दोनों पक्षों दोनों राष्ट्रों के बीच। वाइट शिपिंग, श्वेत जहाज रानी या वाइट शिपिंग की बात हो रही है। क्या होता है जब होता है वाइट, कोई बोले कि वाइट शिपिंग एग्रीमेंट हुआ इस देश के संग, से मतलब ये होता है कि उस देश से कमर्शियल शिप वाणिज्यिक जहाजों का आना जाना आसान हो सकेगा, जानकारी साझा करेंगे वो दोनों देश। इसका मतलब क्या है, भारत और मोजाम्बिक के बीच जहाज जो आते जाते हैं, शिप जो आते जाते हैं, उन शिपों के बारे में जानकारी को साझा किया जाएगा, उनके बारे में जानकारी को एक्सचेंज किया जाएगा कि भाई कौन सा शिप आ रहा है, कितना माल लेकर आ रहा है, कौन उसका मालिक है, क्या वो माल है उसके अंदर, कितना टैक्स भरना है, उसको जानकारी को साझा करना, जिससे वो शिप कोई बिना मुश्किल किए भारत तक आ सके, भारत के शिप आराम से मोजाम्बिक तक जा सके। कुल मिलाकर व्हाइट शिपिंग, एक होती है ब्लू शिपिंग, मालूम आपको क्या होता है ब्लू शिपिंग, ब्लू शिप या ब्लू शिपिंग। ब्लू शिपिंग यूज करते हैं आमतौर पर हम लोग नेवी के लिए, नौसेना के लिए। तो जहाज हम कहते हैं इंडियन ब्लू नेवी, तो जहाज जब चलते हैं नौसेना के तो ब्लू शिपिंग काउंट होते हैं। और व्हाइट शिपिंग मतलब कमर्शियल व्यापारिक जहाजों का आना जाना, तेल आ रहा है, सामान आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, वस्तुएं आ रही हैं, वो आती हैं आपके व्हाइट शिपिंग में। तो दोनों पक्षों ने समझौता किया है व्हाइट शिपिंग को लेकर, और दोनों देश एक दूसरे को व्हाइट शिपिंग पर जानकारी साझा करेंगे। तो वो आपके संग व्हाइट शिपिंग लिखा है, ब्लू से है लेकिन याद रखिए है व्हाइट शिपिंग की बात। तो एग्रीमेंट हुआ है व्हाइट शिप को लेकर। दूसरा जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों पक्षों के बीच, दोनों देशों के बीच, वो है मुझे कहना चाहिए यहाँ पर सेना को, डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए, जो सेना को बढ़ावा देने का एग्रीमेंट किया गया हाइड्रोग्राफी पर। हाइड्रोग्राफी वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, हाइड्रोग्राफी यानी कि जलीय संरचना या हाइड्रोग्राफी की बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोग्राफी क्या होती है, हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी क्या होती है सुन लीजिए। हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है कि जो देश हैं, ये जो पक्ष हैं, ये अपने इलाकों में आपको समुद्र तल का अध्ययन करने देंगे, ओशन बेस का स्टडी करने देंगे। यानी मैप देखें फिर आपके साथ एक बार, तो जो मैप वाला कंट्री हमारा मोजाम्बिक है, जो वो चाहता है कि भारत भारत उसके सदन जो ओशन का पार्ट है वहां पर माइनिंग करे, वहां पर वो जल का स्ट्रक्चर करे और काम करे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है हाइड्रोग्राफी, यानी आप मोजाम्बिक के समुद्र तल में जाकर स्टडी करेंगे। अब डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है हाइड्रोग्राफी का, यानी क्या होगा अल्टीमेटली, कुछ सालों बाद आपकी सुविधा आप सबमरीन चली जाएं वहां पर, कुछ वहां पर वो रिसर्च करें वहां जाकर, उनका बेस क्या क्या है, कैसा है, वहां का जलीय तंत्र किस प्रकार का है, समुद्र का लवणता किस प्रकार की है, सैलिनिटी कैसी है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वो सब अध्ययन करेंगे। यानी कुल मिलाकर अध्ययन करेंगे आप हाइड्रोग्राफी के तहत, और वहाँ के पूरे स्ट्रक्चर का, वाटर बॉडीज का स्टडी कर सकते हैं आप। तो मोजाम्बिक ने एक्सेस दिया भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे यहाँ पर आकर। तो दो एग्रीमेंट हुए हैं, एक हुआ है व्हाइट शिपिंग को लेकर और एक हुआ हाइड्रोग्राफी को लेकर। तो दोनों एग्रीमेंट काम किए आपके लिए, अब रुकते हैं काम की बात। देखिए मोजाम्बिक जो है भारत की एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, रणनीति का भाग है, इसे हम कहते हैं अपनी भाषा में सागर। नाम सुना कभी सागर आप लोगों ने दोस्त, सागर हिंदी में कह लीजिए सागर, इसके एब्रिविएशन अपने आप में ये, इसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ
फॉर ऑल इन द रीजन, फॉर ऑल इन द रीजन, यानी आप समझ पाए इसका मतलब क्या है, इस क्षेत्र में रहने वाले हर देश के लिए सुरक्षा और आर्थिक विकास। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये मोदी साहब कॉन्सेप्ट है, ये सरकार कॉन्सेप्ट है, भारत सरकार कॉन्सेप्ट है। सागर, सागर का मतलब यहां होता है जितने भी देश आसपास के हैं हमारे, उन सबकी सुरक्षा और उन सबकी समृद्धि, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, जो नारा भारत सरकार का है, न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी। तो हिंद महासागर जुड़े जो देश है हमारे, आप देख रहे हैं स्क्रीन में, यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो देश है हिंद महासागर से जुड़े हुए, चाहे वो आपके इस साइड के देश हों, आशियान के देश हों, या वो देश हों अफ्रीका के, इन सभी को जोड़ा गया सागर के तहत। पीएम साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं हमारे यहाँ पर, सीज जो समुद्र हैं ये हमको अलग नहीं कर रहे हैं, ये समुद्र हमको अलग नहीं करते हैं, सीज कनेक्टस, समुद्र हमको जोड़ते हैं, समुद्र की धाराएं हमको जोड़ती हैं, सीज कनेक्टस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखा जाए तो सागर जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हिंद महासागर बीच में हमारे है, ये हिंद महासागर हमको अलग नहीं करता है, जोड़ता है सबके कॉमन इंटरेस्ट को जोड़ता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सरकार की विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी का एक की एलिमेंट है सागर। हालांकि इसके पीछे एक आपको दिखना चाहिए, सबका साथ अगर आप कर रहे हैं, आप यहाँ बता रहे हैं सबको कि यार एक बड़ी शक्ति इस इलाके में बढ़ रही है, एक बड़ा खतरा इस इलाके में बढ़ रहा है, अगर हम साथ में रहेंगे तो बच पाएंगे, हम साथ में रहेंगे तो सेव हो पाएंगे। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन कॉन्सेप्ट है, इस एरिया में आने वाली शक्तियां, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं कि शक्ति बात में कर रहा हूं आपसे, आने वाली शक्तियां जो आ रही हैं हिंद महासागर में, उससे खतरा बढ़ रहा है, आए दिन के शिप आते हैं, सबमरीन आती हैं, खतरा बढ़ रहा है आसपास के देशों को। तो सबको साथ में लाया जाए और लड़ा जाए, तैयार किया जाए अपने आप को, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सबका विकास भी किया जाए। तो यहां पर प्रयास करें, सबको मिलकर चलें यहां पर, और उस महाशक्ति को, उस शक्ति संतुलन को बिगड़ने से रोकें जो उसके आने से खराब हो गया है, यहाँ किसी एक देश के आने से खराब हो गया है। क्या है उस देश का नाम बता पाएंगे दोस्तों मुझे, आप इसका नाम क्या है यहाँ पर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, सागर, सीज कनेक्टर्स बताएं। जी हाँ अमन, चाइना उसका नाम है, पूजा ने भी कहा लाइक चाइना की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम चाइना की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चीन वो देश है जो यहाँ पर मुश्किलें कर रहा है, जहाँ यहाँ पर मुश्किलों को बढ़ा रहा है, तो सीज कनेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों आपके साथ। तो आगे बढ़ेंगे आप टॉपिक को लेकर, आगे चलते हैं आपके साथ। तो ये हमारा काम है मोजाम्बिक में, ये काम है हमारा मोजाम्बिक की बात, सागर रणनीति। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पर आऊंगा मैं आपके साथ। मोजाम्बिक में दो एग्रीमेंट, वाइट शिपिंग और कौन सा बताया मैंने आपको, हाइड्रोग्राफी। डिफेंस मिनिस्टर की पहली यात्रा मोजाम्बिक, इवन राजनाथ सिंह साहब पहली बार गए देश के बाहर डिफेंस मिनिस्टर के पद पर आने के बाद, एज अ होम मिनिस्टर गए कई बार वो, एज अ डिफेंस मिनिस्टर पहली बायलेटरल विजिट उनकी जो हुई है वो हुई है इस समय मोजाम्बिक में। तो अफ्रीका के राष्ट्रों से बात चल रही है काफी लंबे चौड़े पर, अभी हमारे राष्ट्रपति साहब भी देश के बाहर हैं, बेनिन की यात्रा पर हैं और तीन देशों की यात्रा पर गए हैं वो, तो बात करेंगे उसके बारे में भी। तो सागर याद रखेंगे काम आएगा हमारे। आगे बढ़ते हैं आपके साथ सेकंड खबर, सेकंड खबर जुड़ी डिफेंस है दोस्तों आपके साथ, और बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, देश के रक्षा डिफेंस उपक्रम, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रक्षा उपक्रम इसका नाम है GRSE, आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है GRSE, अ मिनी रत्न डिफेंस PSU डिलीवर्ड 100th वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी। देश के एक रक्षा उपक्रम जो बनाते हैं जहाज, लड़ाकू जहाज, शिप, नॉट फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं, शिप, पानी के जहाज बनाते काम है कंपनी का GRSE, नाम सुना होना चाहिए GRSE का, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, देश की मतलब ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है हमारे यहाँ कलकत्ता में बनी है, ये कोलकाता में बनी है माफ कीजिएगा। तो गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स GRSE, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स पूरा नाम उसका, कोलकाता में है ये, सरकारी कंपनी है, इसका मेन काम है डिफेंस के हथियार बनाना, उपकरण बनाना, शिप बनाना, उनके लिए काम करना, डिफेंस PSU, आप किसको दिख रहा हो आपको, इसको DPSU भी कहते हैं हम लोग, डिफेंस PSU भी कहते हैं इसको हम लोग। तो बात कर रहा हूं मैं GRSE की, जो मिनी रत्न कंपनी है और सरकार का डिफेंस का PSU, सरकारी कंपनी है, डिफेंस की कंपनी है, और इसे डिलीवर किया है अपना 100वां शिप, बड़ी बात है अपने आप में, कंपनी का नाम है GRSE, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है, तैयार किया 100वां जहाज, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जहाज कैसे अलग है इसका नाम जान लेते हैं आपके एक बार, इस जहाज का नाम आपको दिख रहा है स्क्रीन पर INLCUL 56, इस जहाज का नाम है INLCUL 76, यानी क्या जहाज हुआ आपको देख पाए हम लोग यहां पर, दिखाता हूं जहाज का क्षेत्र, यहां पर आप देख पाएंगे जहाज में स्क्रीन पर इंडियन नेवी वेबसाइट से, ये जहाज की तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ मेरे स्क्रीन पर, INLCUL 76, IN का मतलब हुआ इंडियन नेवी, IN का मतलब इंडियन नेवी हमारे लिए,
इंडियन नेवी का शिप है LCU, LCU होता है लैंडिंग कैपेसिटी या लैंडिंग क्राफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, जहाज पर लैंड करने की सुविधा देना, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी होना। इसके अंदर क्षमता होती है कि आप टैंक को रखकर अपने अपने वॉर टैंक जो होते हैं दुश्मन के, अपने जो टैंक होते हैं उनको रखिए इसके अंदर और ले जाइए पानी के ऊपर से दूसरी जगह पर। लैंड टू सी, सी टू लैंड, लैंड टू रिवर, रिवर टू लैंड, लैंड टू वाटर, वाटर टू लैंड। एम्फीबियस है, उभयचर है, जमीन भी चल सकता है ये और चल सकता है पानी के अंदर भी। यानी एक प्रकार का शिप, एक प्रकार का जहाज, नॉट इंडियन नेवल शिप नहीं है ये, इंडियन नेवल LCU है, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। इसके अंदर इसका मतलब होता है यहाँ पर किसके अंदर क्षमता होती है, एम्फीबियस बोलते हैं हम लोग, उभयचर बोलते हैं, ये पानी में चल सकता है और जमीन पर भी चल सकता है। क्षमता होती है इसके अंदर कि ये अपने संग कैरी कर सकता है टैंक को। अब मान लीजिए कोई झील आ गई, कोई नदी आ गई और टैंक को पार ले जाना है तो रखिए टैंक को, 10-5 टैंक को इसके अंदर और झील के पार चले जाएंगे। तो वॉर टैंक को आगे ले जाने में, हथियारों को आगे ले जाने में मदद करता है एम्फीबियस। ये आपका LCU L56 तैयार किया गया, इसको GRSE के द्वारा नेवी में शामिल कर दिया गया, सबसे डिलीवर किया था 30 मार्च को, यानी बनाकर दिया था नेवी को 30 मार्च को। नेवी ने 3-6 महीने ट्रेनिंग की, ट्रायल किया, इसको चेक किया नेवी ने ढंग से और 30 जुलाई यानी कल 29 जुलाई को शामिल कर लिया है नेवी ने इसको भारतीय नौसेना के अंदर। तो फाइनली शामिल हो गया। काम की बात अभी आती है, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपके साथ, इसको ये जो शिप है आपका, ये 100वां शिप है इंडियन नेवी, माफ कीजिएगा, बनाया गया है जो GRSE के द्वारा, ये 100वां शिप है जो तैयार किया गया GRSE गॉर्डन लिस्ट शिपबिल्डर्स के द्वारा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, इन पॉइंट है, याद रखिए देश का पहला शिपयार्ड है, पहला डॉकयार्ड है जो उसने 100वां शिप तैयार किया है। तो इंपॉर्टेंट बात ये भी आपके लिए कि पहला शिपयार्ड है देश का जिसने अचीवमेंट हासिल किया, जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। तो ये पहला शिपयार्ड है देश का, फर्स्ट शिपयार्ड टू अचीव दिस लैंडमार्क। कहाँ बना है दोस्तों ये बना हुआ है कोलकाता में। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। अच्छा बताइएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बाद में कि मिनी रत्न से आप क्या समझते हैं। मैंने नाम लिखा है मिनी रत्न, मिनी रत्न क्या होते हैं, महारत्न क्या होते हैं या नवरत्न, तो आज की परिभाषा बता दीजिएगा मुझे आप, मिनी रत्न क्या होते हैं, क्या बेंचमार्क होता है मिनी रत्न का, क्या क्राइटेरिया होता है और कौन सी कंपनी, कौन सा मिनिस्ट्री देश में रत्न का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है। थोड़ा सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, आप यहाँ तक आए वाईफाई स्टडी पर तो थोड़ा गूगल भी आप भी कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए मेरी तरफ से और सबसे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तभी आगे बढ़ेगी बात अपनी, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कम नहीं होने चाहिए आप लोगों को दोस्तों, कमेंट कम होते हैं, लाइक कम होते हैं, सब्सक्रिप्शन धीरे बढ़ता है, जिम्मेदारी आपकी होगी। मेरा काम पढ़ाना है, बाकी काम आपका है, चैनल को चलाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम कंटेंट देना है, पढ़ाना है आपको, चैनल कैसे चलेगा, कैसे मूव करेगा, डेमोक्रेटिक वे में जीते हैं हम लोग, ये आपका काम होगा। व्यूअर हैं, आपको पसंद नहीं आएगा, स्टूडेंट है मेरे, आपको पसंद नहीं आएगा, नहीं बढ़ेगी। तो जरूरत है, अपना फीडबैक दीजिए, सही कराइए चीज़ों को यहाँ पर और चैनल को आगे बढ़ाइए। तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए अपने संग, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, सोशल मीडिया पर, जहां आप बताइए लोगों को वाईफाई स्टडी किस प्रकार आपके लिए एक अच्छे एजुकेशन लेकर आया है इस फ्री प्लेटफॉर्म पर। अल्टीमेट गोल है हमारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अंतिम स्टूडेंट तक पहुंचना जो शायद संभव नहीं हो पा रहा दिल्ली आके पढ़ पाए वो। मैं लगभग 12 सालों से ऑफलाइन टीचिंग करा रहा हूं यहां पर, कई बार बच्चे आते हैं नहीं आ पाते हैं दिल्ली, अब नहीं आ पा रहे हैं, मुश्किल होती है उनके लिए, इकोनॉमिक कंडीशन कारण है या कई और कारणों से नहीं आ पा रहे हैं वो, तो जरूरत है उन तक पहुंच पाए हम लोग, हम उन तक एक्सेस कर पाए। टेक्नोलॉजी ने हमको एडवांटेज दिया है, इस फाइबर नेट ने, इस इंटरनेट ने, इस ब्रॉडबैंड ने हमको एक्सेस दिया है कि हम पहुंच पाए बच्चों तक। वो नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, हम पहुंच पाए, हमारा काम है टीचर होने के नाते आप तक पहुंच पाना। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, आपका योगदान भी होगा इस काम में हमको वहां तक पहुंचाने के लिए। तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिम्मेदारी आपकी है, आप शेयर करेंगे अंतिम व्यक्ति पहुंच पाएंगे हम लोग। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, मैं अगली खबर पर आता हूँ को लेकर। अगली खबर जो है वो है ई सिविल, वन लाइन न्यूज़ सुन लीजिए, कुछ खास नहीं है वो, सिर्फ वन लाइन सुन लीजिए, काम आएगा आपका एज अ ब्यूरोक्रेट। ई सिविल, माफ कीजिएगा, खबर का नाम है ई सिविल, सिविल सर्वेंट के लिए प्रकार से पोर्टल है ये ई सिविल। देश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो हमारे जितेंद्र साहब हैं, जितेंद्र सिंह PMO में स्टेट मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट PMO भी हैं वो, उन्होंने जारी किया है कल पोर्टल ई सिविल की जानकारी दी हमको यहाँ पर। ई सिविल क्या है? ई सिविल जो होगा बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं देश के अंदर, जो नौकरशाह बन रहे हैं, IAS IPS अधिकारी बन रहे हैं देश के अंदर, उनका एक डेटाबेस होगा, उनका एक डेटाबेस होगा जिसको एक्सेस कर सकेंगे मंत्रालय हमारे, उनके रिकॉर्ड को उनको देख सकेंगे आराम से वो। कुल मिलाकर अब तक जो डेटाबेस सिर्फ सरकार के पास हुआ करता था, केवल रिपोर्ट में हुआ करता था, वो पब्लिक डोमेन में तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ मंत्रालय के पास में पहुँच जाएगा, आम आदमी भी इसमें कुछ जानकारी देख सकेगा, कौन सा ब्यूरोक्रेट किस बैच का कहाँ अपॉइंटेड है आप जान सकेंगे और मंत्रालय जान सकेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या है, किस फील्ड में काम किया। एग्जाम्पल दूँ मैं, हो सकता है किसी ब्यूरोक्रेट ने 2 साल काम किया हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, फिर काम किया हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, फिर 2 साल काम किया उसने किसी और डिपार्टमेंट में, तो मिनिस्ट्री देख पाए कि इससे एडवाइस ली सकती है कि नहीं। काउंसिलिंग मान मान लीजिए बैठे हैं पॉलिसी बनाने के लिए, तो देखेंगे अच्छा 2 साल इसने काम किया रेवेन्यू में, 2 साल काम किया एग्रीकल्चर में, ये बंदा काम का है, हमें सलाह दे सकता है, तो सलाह लेने के लिए बुला सकते हैं उसको आप, जरूरी है उसका फीडबैक, आपके पास रिपोर्ट कार्ड उस व्यक्ति का जो आसानी से उपलब्ध होगा ई सिविल पर। तो ई सिविल
एक पोर्टल तैयार किया भारत सरकार ने, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, सिविल सर्वेंट के बारे में अधिक जानकारी को हासिल किया सकेगा। तो वन लाइन खबर है, याद रखिएगा, ई सिविल तैयार किया है पोर्टल यहां पर सरकार द्वारा। आगे बढ़ूंगा दोस्तों मैं आपके साथ, अगली खबर पे आता हूं। यहां पर अगली खबर मेरे पास जो बड़ी खबर है आज की, वो है टाइगर को लेकर। टाइगर सेंसस जारी की गई, चौथी सेंसस है ये। टाइगर सेंसस को लेकर बात करें, क्या है टाइगर सेंसस में खास, क्या है खास टाइगर में। तो टाइगर जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय नेशनल एनिमल मालूम ही है आपको, बहुत बढ़िया। तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों, बताइएगा मुझे, चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं मैं आपके लिए, कुछ सवाल रहेंगे मैं चाहूंगा जवाब देते जाए मुझे आप लोग इसका, कि नेशनल हम लोग बोलते हैं हमारा टाइगर है, फाइन, कौन सा टाइगर हमारे पास, दो तीन टाइगर, नौ टाइगर मिलते हैं इंडिया में, नौ प्रकार टाइगर इंडिया में दुनिया मिलते हैं, नौ में से पांच तो मिलते ही हैं हमारे पर, तो कौन सा टाइगर हम बात कर रहे हैं, कौन सा टाइगर। टाइगर हमारे पास है एक रॉयल बंगाल टाइगर हमारे पास है, रॉयल बंगाल टाइगर, जी हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर ही है आपका जो इस समय इंडिया में नेशनल एनिमल बात करें हम लोग यहाँ पर। चलिए बात करें टाइगर कितनी स्टेट मिलते हैं, दूसरा सवाल मेरा आपसे, टाइगर कितने राज्यों में मिलते हैं देश के। आज के हिंदू नाम हिंदू ने कबड़ कर दी, हिंदू में लिखा है 80 राज्यों में, इंडिया में स्टेट ही नहीं 80, तो यार हिंदू ने आज लिखा है रिपोर्ट में अपनी 80 स्टेट के अंदर, बताइए आप हिंदू से गलती कर सकते हैं, हिंदू में गलती कर दी गई है, तो 80 नहीं होना चाहिए, वो 18 होना चाहिए था वहाँ पर, वो टाइपर ने कुछ गलत कर दी, टाइपर स्टेट ने, 18 राज्यों मिलते हैं, अब तेलंगाना अलग कर दे 19 राज्यों मिलते हैं, लगभग 18 प्लस एक बोल लीजिए, तो रॉयल बंगाल टाइगर, जी हाँ सही कहा आपने, 18 राज्यों मिलते हैं आपके टाइगर, ये बात याद रखिएगा, फाइन। देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कुछ जानकारी बताएगा मुझे, कोई टाइगर रिजर्व कितने देश के अंदर, बताएगा मुझे कितने टाइगर रिजर्व देश के अंदर, 3 नहीं, 5 नहीं, नहीं दोस्त 20 राज्य नहीं, 10 नहीं, 4 गलत है, कितने टाइगर रिजर्व है देश के अंदर, 11, 18, 6 नहीं दोस्त, नहीं चलेगा ये, देश में मोर देन 50 टाइगर रिजर्व हैं, 50 हैं और बहुत जल्दी दो अप्रूव होने वाले हैं, उत्तराखंड में दो नए बनने वाले हैं, तो 52 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे कुछ दिनों में देश के अंदर, तो याद रखिए टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ रही है, 52 टाइगर रिजर्व बन जाएंगे देश के अंदर कुछ दिनों में हमारे पास, 52 टाइगर रिजर्व होंगे, जहां लगभग कितने टाइगर रहते हैं, कल जो सेंसस आई है दोस्तों कितनी सेंसस आप जानते हैं, 2967, ये याद कर लीजिएगा डेटा, ये याद करिए ढंग से आप ये आंकड़ा, ये बहुत काम आने वाला है ये आंकड़ा आपको यहाँ पर, ये बात कह रहा है अगले 4 सालों तक ये आपको याद रहना चाहिए 2967, जैसे आप देखते हैं आज से कुछ साल पहले 1400 थे, 1406 थे, 1400 थे, फिर 1700 हुए, 1706 हुए, फिर 2226 हुए, और अब हो गए ये 2967, तो 2006, 10, 14 और 18, तो 18 का आंकड़ा हमारे पास आ गया है, और टाइगर सेंसस के मुताबिक, टाइगर गणना के मुताबिक 2967 टाइगर उपलब्ध हैं देश के अंदर, मौजूद हैं देश के अंदर जो हमारी गणना में आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अपने आप में काफ़ी इजाफा दिख रहा है हमको यहाँ पर, एक बड़ी जंप हमको दिख रही है, लगभग 700 कितने कहेंगे आप, 741 टाइगर्स का इजाफा हमको दिख रहा है इस संख्या में, एक बड़ी संख्या बढ़ी है देश के अंदर, एक बड़ा इजाफा हुआ है, 33% ऑलमोस्ट 33% टाइगर बढ़े हैं, बहुत बड़ी संख्या अपने आप में, एक 4 सालों के अंदर एक तिहाई टाइगर का बढ़ना, एक तिहाई टाइगर्स का बढ़ना बड़ी बात है। कल पीएम साहब कह रहे थे हमारे, पहले एक था टाइगर, अब टाइगर जिंदा है, ये बोलते हैं अपनी भाषा में, पहले हाथी थी, एक था टाइगर, तो टाइगर बहुत कम थे, अब टाइगर जिंदा है, हमको लेके जाना है, टाइगर को बचाना है, बचाना जरूरी है, क्यों, अब सुनिए 5 मिनट दीजिए आराम से, मैं कुछ जानकारी आपको दूं यार, काम आएगी जो आपके लिए। पहली बात तो टाइगर क्यों, वाइट टाइगर क्यों बचाया जाए टाइगर को, भैया एक जीवी तो है, मार दें उसको, अंतर पड़ जाएगा, इसको खत्म हो जाएगा तो कैसा पड़ जाएगा देश को या दुनिया को, कैसा पड़ जाएगा। टाइगर फूड चेन में टॉप पर होता है, शीर्ष में टॉप पर होता है फूड चेन में वो, ऐसे में जरूरी है उसको बचाया जाए। यदि हम बात करें पेड़ को कंज्यूम करता है, लेट से आपका डियर हिरण कंज्यूम करता है, हिरण को कंज्यूम करता है बाघ, अगर बाघ खत्म हो गया तो हिरण बढ़ जाएंगे, हिरण बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा पेड़ कंज्यूम कर लेंगे वो, और पेड़ खत्म हो गए तो आपको चारा या बाकी पशु को कुछ नहीं मिलने वाला। जरूरी क्या है, ये बैलेंस में रहे, फूड चेन बनी रहे, खाद्य श्रृंखला बनी रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है जो टॉप पर है वो हमेशा रहे। अगर टॉप वाला प्राणी खत्म हो गया तो फूड चेन डिसबैलेंस हो जाएगी, या कोई भी प्राणी खत्म हो, पेड़ खत्म हो गए तो ये खत्म हो जाएंगे, हिरण खत्म हो गए तो खत्म हो जाएंगे, फूड चेन बनी रहनी चाहिए, और फूड चेन की जरूरी है टॉप पर जो फूड चेन में है वो ही बना रहे। तो टाइगर पहली बात तो जरूरी है, किस बात के लिए, फूड चेन के लिए जरूरी टाइगर आपके लिए, चलिए अच्छी बात है, और क्यों जरूरी टाइगर, बींग अ इंडियन, बींग अ भारतीय, आप समझ सकते हैं टाइगर का कल्चर एस्पेक्ट, बींग अ इंडियन, आपके देवी देवताओं में देखेंगे टाइगर दिखेगा आपको, बहुत सांस्कृतिक जुड़ाव है टाइगर से हमारा, बड़े डरते हैं हम लोग कितने भी उससे, लेकिन उसकी पूजा भी करते हैं, नौ दुर्गे मनाते हैं हम लोग, बड़े अपने यहाँ पर दुर्गा का सवारी मानते हैं हम उसको, टाइगर को सम्मानित करते हैं एज अ डॉक्यूमेंट्री मेकर होने के नाते, देश के इलाकों में जाना होता है कई बार मेरा, कई इलाकों में हम लोग गए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, देश के इलाकों में जाता हूँ मैं, और कुछ अच्छी तस्वीरें मिलती टाइगर के कंटेस्ट में। अभी कुछ दिन बाद उड़ीसा में हम लोग थे एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के सिलसिले में,
और वहाँ पर एक मैं तस्वीर खींच में आपको दिखाता हूँ, मैं टाइगर की तस्वीर थी, वो टाइगर के मुझे कहना चाहिए एक प्रकार से वाइल्ड लाइफ टाइगर की तस्वीर दिखाऊंगा आपको, यहाँ टाइगर की बात कर रहा हूँ मैं। अब इस तस्वीर को देख के समझ पाएंगे कि कितना सम्मान है टाइगर के लिए हमारे मन के अंदर। गांव था सतकोशिया टाइगर रिजर्व के पास का एक गांव था वो, और वहाँ पर टाइगर, अब देखेंगे एक छोटा सा तस्वीर है ये तस्वीर आपको दिख रही है, टाइगर का पंजा है और उस पर पूजा, उस पर हल्दी चंदन लगाया गया है, यानी गांव वालों ने देखा कि रात को हमारे इलाके से टाइगर गुजरा है, टाइगर के पंजे के निशान दिख रहे हैं, तो ये बहुत भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को गांव वाले कि हमारे इलाके से टाइगर गुजरा है रात को, यानी देवी का आशीर्वाद आ रहा है हमारे लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी सांस्कृतिक संबंध कितना अच्छा टाइगर से, तो क्यों बचाया जाए, ना केवल फूड चेन है, ना केवल बायोलॉजिकल चेन है, ना केवल एनवायरमेंट के लिए जरूरी है, बल्कि कल्चर एस्पेक्ट के लिए भी, आपकी पहचान है, आपके देश की पहचान है, अपनी संस्कृति की पहचान है टाइगर बचाना, तो टाइगर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी हमारे लिए। आप एक बहुत सिंबलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को मैं यहाँ पर, कितना जरूरी टाइगर को बचाना अपने आप में। आएंगे दोस्तों आपके साथ, तो खाद्य पदार्थ है, इसके अलावा कल्चर एस्पेक्ट हमारे पास है यहाँ पर, कल्चर एस्पेक्ट है टाइगर का, सांस्कृतिक पहचान है टाइगर की हमारे यहाँ पर, और क्या फायदा टाइगर का दोस्त। टाइगर बात करें हम लोग, टाइगर फूड चेन में है, कल्चर एस्पेक्ट भी है, टाइगर हमारे राष्ट्र का गौरव है, टाइगर देश के लिए गौरव है, सम्मान की बात है, हमारा रॉयल बंगाल टाइगर हमारे देश का राष्ट्रीय सम्मान भी है, तो कहीं ना कहीं नेशनल प्राइड है, राष्ट्रीय सम्मान है। यदि अपने जीव को नहीं बचा पाए, अपने राष्ट्रीय पशु को नहीं बचा पाए हम लोग, तो बहुत मुश्किल होगा देश को देश कहने में हमें, तो ज़रूरी है प्राइड कर पाए अपने इस पर हम लोग, टाइगर पहचान है। और क्या फ़ायदे टाइगर के, क्यों ज़रूरी टाइगर को बचाना देश के अंदर। कई बार हम कहें कि टाइगर ज़रूरी इसलिए भी है, कई बार जंगल में हम लोग नहीं जाते हैं, क्यों, टाइगर है क्योंकि वहाँ पर टाइगर एक थ्रेट देता है, एक खतरा देता है, अतिक्रमण को रोकता है, एंक्रोचमेंट को रोकता है, वो आने वाले खतरे को रोकता है, कोई भी नहीं आ सकता जंगल के अंदर, जंगल की इंसेनिटी, जंगल की पवित्रता बरकरार रहती है टाइगर के होने से वहाँ पर, क्योंकि वो टाइगर नहीं है, वो जंगल का रक्षक भी है, तो जंगल को बचाना है, अगर आपको अपने जंगलों को बचाना है तो उनमें टाइगर का होना ज़रूरी है। टाइगर कई बार कई लोगों के लिए जंगल को बचाने का काम भी करता है, तो अगर आप फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें, तो टाइगर का होना ज़रूरी है, अगर टाइगर नहीं तो जंगलों का नाश होने में बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है, जंगल खत्म होने में बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है। तो कल्चर एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, कुछ बता पाएंगे दोस्तों टाइगर का इकोनॉमिक एस्पेक्ट दिखता है कुछ, बताएं मुझे कुछ। टाइगर है तो टूरिज्म है, बाघ है तो पर्यटन है, आप जाइए रणथंबोर, आप जाइए सरिस्का, आप जाइए बांधवगढ़, आप जाइए पेरियार, आप जाइए देश में किसी भी टाइगर रिजर्व में, वहाँ टूरिस्ट आते ही टाइगर को देखने के लिए हैं, तो अगर टूरिस्ट हैं तो लोकल लोगों की इकोनॉमी है, उस राज्य की इकोनॉमी है, तो ना केवल टाइगर ज्योग्राफिकली ज़रूरी है, ना केवल फॉरेस्ट ज़रूरी है, बल्कि टाइगर वहाँ की लोकल आबादी के लिए एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, वो एक पर्यटन का काम करता है, टूरिज्म को बढ़ावा देता है टाइगर। हम और आप जाते हैं सफारी देखते हैं, फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, टाइगर दिख जाता है तो बड़ा चिल्लाते भी टाइगर को देखकर, या गलत है हालांकि, जो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइगर उस इलाके की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, तो टाइगर ज़रूरी है इलाके की इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी हो गया दोस्त, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और कहीं ना कहीं हो गया हमारे देश का प्राइड, नेशनल प्राइड, नेशनल सम्मान की बात भी हो गई, तो टाइगर ज़रूरी हर एस्पेक्ट में है। अब टाइगर खत्म हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, क्योंकि शिकार किया गया उनका, बताए तरीके से मारा गया टाइगर्स को, और कई बार सरकार की पॉलिसी कारण गलती हुई है, बात नहीं करूंगा उस पर, बात करूंगा टाइगर्स आबादी पर। तो टाइगर्स की आबादी हम देखें, 4-5 साल पहले क्या आबादी थी टाइगर के देश के अंदर और अभी क्या स्थिति है, तो आज से 4 साल पहले जो डेटा हमारे पास था टाइगर का, वो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, लगभग 1411 टाइगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, 2006 में थे 1411 टाइगर हमारे पास, 1411 टाइगर थे 1411 2006 में, 2010 में हुए 1706 टाइगर 1706, और 14 में हुए 2226 टाइगर, और आज हो गए हमारे पास 2967, अच्छी बात है। टॉप थ्री स्टेट कौन कौन से पहले थे हमारे पास, कर्नाटक, उत्तराखंड, एमपी, टॉप थ्री लास्ट सेंसस में 2004 साल पहले, हर 4 साल में एक बार काउंटिंग होती है, अब 4 साल में एमपी टॉप पर आ गया है, कर्नाटक सेकंड पर चला गया है, उत्तराखंड तीसरे पर चला गया है, तो टॉप बदल गया है यहाँ पर। कितने टाइगर हैं यहाँ पर बात करें राज्यों में, तो नजर नोट डाउन करेंगे आपके मेरे साथ यहाँ पर कितने कितने टाइगर इन राज्यों में, इन राज्यों की बात मैं आपसे करूँ तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टाइगर्स देख लीजिए, पहले तो कितने थे 1411 से लेकर 2967 का सफर हमने तय किया है महज कुछ सालों के अंदर। इसके बाद बात मैं करूँ आपसे यहाँ पर, तो जो शब्दावली हम देखेंगे टाइगर सेंसस स्टेट वाइज, आप देख रहे हैं बड़े राज्य नोट डाउन कर सकते हैं आराम से आप यहाँ पर, एमपी की बात करें, बड़ी संख्या एमपी में 526 टाइगर्स की है, सबसे ज्यादा टाइगर्स एमपी में है 526, सेकंड पर है कर्नाटक का, 2 टाइगर पीछे हैं बस केवल 524, यानी अब मैं कहूँ आपसे देश के 3000 टाइगर में से 1000 तो केवल एमपी और कर्नाटक में रहते, तो गलत नहीं होगा अपने आप में। मध्य प्रदेश कर्नाटक है 1/3 टाइगर ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में देश के कुल टाइगर्स की 1/3 आबादी रहती है, बिल्कुल सही बात है। 190 असम में है, 440 के आसपास उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में संख्या 312 के आसपास,
केरल 190, तमिलनाडु 264 और उत्तर प्रदेश में लगभग 173 टाइगर्स। ये संख्या आप देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बड़े टाइगर्स स्टेट की, तो ये आप आबादी देख रहे हैं टाइगर स्टेट की, यहाँ पर कुछ आबादी आपने देखा, लेकिन चिंताजनक बात कुछ और भी है। बात करें यहाँ पर कुछ राज्यों में गिरावट भी आई है या कमी आई है, विशेषकर छत्तीसगढ़ में। अब बड़ा अजीब बात है ना, बगल का राज्य MP, वहाँ टाइगर बढ़ गए, वहाँ टाइगर टॉप पर आ गया तीसरे से वो, और छत्तीसगढ़ बगल का स्टेट है वहाँ टाइगर कम हो गए। तो ये थोड़ा सा सेंसस की समस्या हो सकती है, या पहली बार गलत गिन लिए होंगे या आप गलत गिन लिए लोगों ने, वॉट एवर। हम बात करें 45 टाइगर छत्तीसगढ़ में, अब 19 रह गए हैं। तो शेरों की संख्या कम हुई है, बाघों की संख्या कम हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर, बड़ा ड्रास्टिक बदलाव है 45 से 19 हो जाना, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा आबादी कम हो गई टाइगर्स की वहाँ पर। जब रिजर्व टाइगर के हैं वहाँ पर अच्छे खासे, क्योंकि संख्या कम हुई है, तो या तो माइग्रेट कर गए टाइगर बेचारे वहाँ से, छत्तीसगढ़ से माइग्रेट कर गए, या पहले उन्होंने ज़्यादा गिन लिए थे, MP वाले घूमने आए होंगे यहाँ पर, उनको गिन लिया होगा, वॉट एवर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि टाइगर की आबादी कम हुई है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में स्टैटिक बनी हुई है, नॉर्थ ईस्ट बंगाल, नॉर्थन बंगाल यानी सुंदरबन छोड़ दीजिए, नॉर्थन बंगाल मतलब यहाँ पर है सुंदरबन छोड़कर, सुंदरबन डेल्टा छोड़कर 23 टाइगर थे, अब नहीं बचे टाइगर वहाँ पर, और मिजोरम में टाइगर खत्म हो गए हैं, ये कहना है यहाँ पर। तो पहले 19 स्टेट में बता दो, 19 स्टेट हुआ करते थे हमारे यहाँ पर, 19 राज्य हुआ करते थे, अब मिजोरम में इस बार टाइगर नहीं पाए गए हैं तो 18 स्टेट हो गए हैं। इसमें कहा 18+1 हुआ था स्टार्टिंग पे, 18+1 लास्ट टाइम 19 राज्यों में टाइगर थे, इस बार एक कम हो गया यानी मिजोरम कम हो गया, 18 स्टेट बचे हैं। तो याद रखिए 18 स्टेट में टाइगर हमारे पास है, डेटा कम आएगा आपके लिए। छत्तीसगढ़ में बड़ी गिरावट है, MP में बड़ी बढ़ोतरी है, 526 इन MP, 524 इन कर्नाटका एंड 19 जस्ट इन छत्तीसगढ़, ये काम करेगा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इसके अलावा बात करें टाइगर सेंसस की, कितने इलाके में सर्वे किया गया, आपके स्क्रीन पर आप डेटा देख रहे हैं यहाँ पर, फॉरेस्ट सर्वे किया गया बड़े इलाके में, 381,400 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इलाका सर्वे किया गया। पैदल हमारे जो फुट सर्वे किया गया, लगभग 522,000 किलोमीटर का फुट सर्वे किया गया, लगभग 26,000 कैमरा यूज़ किए गए 141 साइट्स पर, और इन 26,000 कैमरों ने लगभग 35 लाख फोटो, माफी 35 लाख नहीं कहूँगा, ज़्यादा फोटो दिख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर, ये ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ फोटो, 3.5 करोड़ फोटो समझ सकते हैं आप, 26,000 कैमरा 3.5 करोड़ फोटो खींचते हैं, उन 3.5 करोड़ फोटो का एनालिसिस होता है और उसमें कितने टाइगर देखे गए उसकी पहचान की जाती है। अब जानते हैं टाइगर जो होता है, हर टाइगर का स्ट्रिप जो उसमें धारियाँ होती हैं वो यूनिक होती हैं, हर टाइगर स्ट्रिप यूनिक होती हैं, उसकी पहचान उसकी टाइगर की धारियों से होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लगभग 35,000 टाइगर्स का यूनिक हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा कोई और जानकारी हमको दी जाए यहाँ पर काफ़ी रहेगा, तो ये जानकारी दी गई है आपको इस वेबसाइट के द्वारा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्विंट का ये वेबसाइट है, तो काफ़ी अच्छा एनालिसिस उन्होंने किया है टाइगर के बारे में। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सह अस्तित्व की बात की है PM साहब ने, कल PM साहब ने कहा कि हमारे भारतीय दर्शन में हमेशा से सह अस्तित्व रहा है, सह अस्तित्व को लिविंग रही है, यानी कहना चाहिए मुझे, हमारे उन्होंने एग्जाम्पल दिया शिव जी का, कि शिव जी स्वयं सांप को या नाग को धारण करते हैं, और जो उनके पुत्र हैं गणेश उनका वाहन चूहा है, जबकि नाग और चूहे का अपनी लड़ाई चलती है, तो ये दिखाता है किस प्रकार को लिविंग सह अस्तित्व हो सकता है। संस्कृति को सिखाती है ये, मैं आपको दिखाया फोटो वहाँ पर एक, किस प्रकार बाघ के पाँव की पंजे की पूजा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये दिखाता है कितना अच्छा कल्चर रहा है बाघों के साथ हमारा, लेकिन संख्या कम हुई थी कुछ साल पहले, बड़ा कारण था उसके पीछे शिकार होना, या कई बार जनजातियों द्वारा ही, लोगों द्वारा ही उनको जहर देके मारा जाना, ये घटना सामने आई है। यदि आप बहुत सीधी बात करें, अब सरकार ने कहा कि भैया कोर एरिया टाइगर के रहने का, आप निकलिए बाहर यहाँ से, अब जनजाति जो सदियों से बाहर रहती है ये टाइगर के साथ, आप आज कह रहे हैं उसको कि बाहर निकली टाइगर को रहेंगे यहाँ पर, तो बहुत सीधी बात है, हम लोग इंसान हैं, और जब टाइगर और मुझको रहने की बारी आएगी, हमें दो में से का चयन करना होगा, तो हम चयन करेंगे अपना, हम टाइगर को मार देंगे, जहर देके खत्म कर देंगे, टाइगर नहीं रहेगा हम लोग यहाँ रहेंगे। ये बड़ा बदलाव हुआ है कुछ सालों में, लेकिन अब संख्या बढ़ रही है, दोबारा पहुंच गए, डेटा फिर देख लीजिए मेरे संग लास्ट में दोस्त आप लोग, संख्या कितनी हो गई है 2967, हर साल 6% बढ़ता हुआ। याद रखिएगा 2010 में एक सेंट पीटर्सबर्ग जगह, कहां पर है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग यह है रूस में आता है, सेंट पीटर्सबर्ग में उन देशों, ध्यान सुनने के बाद काम की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक शहर, वहां उन देशों का एक समिट हुआ था जहां टाइगर फ्री घूमते हैं, मुक्त अवस्था में घूमते थे, भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, या टाइगर पिंजरे में नहीं है, कैद नहीं है, फ्री भी घूमते हैं, जंगलों में भी घूमते हैं, उन देशों का सम्मेलन हुआ था, उन देशों में एक वादा किया था कि 2010 से 2022 तक टाइगर्स की आबादी को दोगुना कर दिया जाएगा। 2010 में भारत में टाइगर थे, आप देख सकते हैं संख्या थी टाइगर्स की हमारे पास 1706 टाइगर थे, अब आने वाली 22 की लिस्ट अगले साल आएगी 4 साल बाद, उम्मीद करते हैं इस 1700 को डबल करके 3400 कर लेंगे, यानी भारत अपने लक्ष्य मुताबिक चल रहा है, डबल कर देगा, दुनिया के 2/3 बाघ
इंडिया में रहते हैं, उसको मिला दूं नहीं जो तो 3/4 भाग दुनिया के 3/4 भाग इंडिया में रहते हैं। 75% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन लिव्ड इन इंडिया, निश्चित तौर पर बड़ी बात है अपने आप में। तो भारत को टाइगर लीडिंग करना चाहिए, टाइगर को हम लीड करना चाहिए, दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। कल पीएम साहब ने कहा इस बारे में कि भारत लीड सेट कर रहा है, एग्जाम्पल सेट कर रहा है बाकी देशों के लिए, किस प्रकार टाइगर को बचाया हम लोगों ने, किस प्रकार लायन को बचाया हम लोगों ने, किस प्रकार हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने यहाँ पर लियोपर्ड को बचाने का, तेंदुए को बचाने का। तो दुनिया हमें सीख रही है, हमारे एक्सपर्ट को सीख रही है। तो उम्मीद करता हूँ इस साल प्री और मेंस में जरूर रहेगा सवाल टाइगर के ऊपर आपके लिए। लास्ट पॉइंट, लास्ट बात सुन लीजिए, काम की बात आपके लिए केवल लास्ट में करूंगा मैं। तो यहाँ बता दूँ आपको कि भारत में प्रयास हम लोग कर रहे हैं दिशा में। इसके अलावा याद रखिए संस्था का नाम लिखवा दूंगा आपको, यहाँ पर संस्था जो काम की रहेगी आपके लिए, संस्था का नाम है हमारी NTCA, इसको याद रखिएगा, बार बार काम आती रहेगी संस्था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसके हेड PM साहब होते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये बनी थी 2006 में और तब से टाइगर को बचाने का काम शुरू कर दिया गया था। परिणाम सफल मिल रहे हैं हमको, महज 15 सालों के छोटे से अंतराल में, 12 सालों के छोटे अंतराल में टाइगर की संख्या बढ़ती दिख रही है। 2006 में 1400 टाइगर थे, आज हमारे पास लगभग 30,000 टाइगर हैं। तो 1400 से सफर चालू हुआ था ये 2006 में और आज 3,000 टाइगर हैं। ये सफलता का श्रेय मिलना चाहिए NTCA को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एपेक्स बॉडी है, नोडल एजेंसी है देश में टाइगर को बचाने के लिए। इसके अध्यक्ष होते हैं PM साहब खुद, यानी PM खुद देखते हैं पूरे मैटर को, यहाँ पर NTCA के अध्यक्ष PM होते हैं। हो बाकी दोस्त बात हमारी यहाँ पर ये, तो टाइगर पर एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी में। हम लोगों ने बहुत डॉक्यूमेंट्री शूट किए टाइगर में जाकर, बहुत इलाकों में गए हैं टाइगर्स के, डॉक्यूमेंट्री शूट करके आए थे वहाँ से बहुत। तो मैं आपको बताऊंगा कि और एक्सपीरियंस मेरे क्या रहे हैं टाइगर को लेकर, वहाँ पर क्या मुश्किलें आती हैं, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा टाइगर को लेकर मैं बहुत जल्दी, एक आध दो दिन के अंदर, आप ज़रूर देखिएगा उसको। और ये PIB सेशन मैं यहाँ आपको ख़त्म करूँगा आज, ज़रूर है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पहुँची अंतिम व्यक्ति तक। इसका PDF कुछ देर बाद आपको इसी कमेंट बॉक्स में नीचे, कुछ देर बाद आपको ये मिल जाएगा और ऐप पर ही मिल जाएगा। और मैं आपको कहा क्या क्या ऐप देना, मुझे आपको बता दूंगा क्या क्या मेरी आपको जानकारी देनी है। एक तो BS6 का आपको तैयार किया मैंने, BS6 आपके लिए, वो PDF मिलेगा आपको। एक कल जो PIB का फॉन्ट मिस हो गया था PDF का, वो दूंगा आपको मैं, वो मिल चुका है कल के कमेंट बॉक्स में लगा हुआ, देख लीजिएगा। और आज का PIB ये मिलेगा आपको कुछ देर बाद इसी कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। कोई सवाल दोस्तों पूछना चाहते हो, कुछ लोग आप बात करना चाहते हो उसमें, कुछ पूछना हो, कोई सवाल आपके जहन में, कुछ रोका जाए फिर क्लास को अपनी। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे रात को 9:30 बजे MCQ में, बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।